कन्हैया, बाल गोपाल, माखन चोर, नटखट गिरधर, जितने नाम उतनी लीलाएं। आज भी नंद के घर आनंद स्वरूप जन्मे भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को पूरे श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। उनके दिव्य रूप की झलक पाने की लालसा में हम भी पहुंचे चिरपरिचित स्कॉन मंदिर। स्कॉन मंदिर के प्रांगण में ही लड्डू गोपाल की चहल कदमियों की छनछनाहट थी। हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज से वातावरण कृष्ण भक्ति में लीन था। हर वर्ग के लोग एकजुट हो अपने ईष्ट के नाम का ध्यान करते दिखे। मंदिर में प्रवेश करते ही कृष्ण लीला का अनुपम दृश्य भक्तों को भाव विभोर कर देगा। मंदिर का वातावरण उत्साह से परिपूर्ण दिखा। चारों तरफ जगमगाती रोशनी, ईश्वर के दर्शन के लिए लालायित भक्त, कृष्ण को समर्पित कई पुस्तकें, भजन में डूबती संध्या और वाद्य यंत्र के साथ कृष्ण लीला का बखान करते लोग। ये नजारा देख ऐसा प्रतीत होता है मानो कुछ क्षणों के लिए आप सांसारिक बंधनों से मुक्त हो ईश्वर भक्ति में लीन हो गए हैं। स्कॉन मंदिर की भव्यता, भवन की चोटी पर लहराता हनुमान ध्वज, कृष्ण लीलाओं का सुंदर चित्रण, आधुनिकता और पुरातन धर्म के समावेश का अद्भुत उदाहरण है। आप सभी भक्त भी कृष्ण की लीलाओं के दर्शन करने स्कॉन मंदिर अवश्य जाएं। जय श्री कृष्णा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।